बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं कि इस वक्त ये कौन साहब हैं और क्या पूछ। सऊदिया कोटली गाय हवाना वाक, चले जी ये कोटली सऊदिया और कोटली आज़ाद कश्मीर, कोटली एजेटी। अस्सलामुअलैकुम, क्या वाक सब, क्या साहब हाल है? खैरियत है? बिल्कुल ठीक है ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं लतीफ बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरी गाय है, आज तकरीबन 11 दिन हो गए उसको बच्चा दिए हुए, ठीक लेकिन जब से उसने बच्चा दिया उसे तो 1-2 दिन के बाद ही वो थन का प्रॉब्लम था, ओहो। थनों में प्रॉब्लम थी, तो फिर मिस्टाइटिस थी पिछले 2 थनों में। हाँ फिर आपके यूट्यूब में मैंने देखा था, आपने इंजेक्शन बताए थे, फिर जी वो डॉक्टर साहब को बुला के इंजेक्शन का कोर्स किया, 1 हफ्ता पूरा ठीक तकरीबन 9 8 9 इंजेक्शन लगाए डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब को बुला के उन्हें 8 9 इंजेक्शन लगाए। कल 2 दिन हो गए, 2 दिन, हाँ 2 दिन हो गए इंजेक्शन बंद कर दिए, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा दूध है ना उसमें खून, एक अब बाकी एक थन ठीक हो गया, लेकिन एक थन में अभी थोड़ा थोड़ा खून आता है, थोड़ा थोड़ा पहले दूध आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में थोड़ा दूध निकले, तकरीबन आधा किलो 1 किलो दूध निकाल लें तो फिर थोड़ा खून आता है, लाल खून क्या लाल किस्म दूध, थोड़ा रंग अपना चेंज कर देता है। और साथ में मैं वो लहसुन और जीरा और वो जो खीर आपने वगैरह बताया था मीठा सोडा वो भी दिया दे रहा हूँ, तकरीबन 5 6 दिन बराबर मैंने दिया उसको ये, उससे आगे मैं अगर आप हो सके तो कोई देसी इलाज अगर हो सके तो, इंजेक्शन बहुत लगवाए लेकिन वो बहुत मुश्किल करते हैं कि बहुत मुश्किल से इंजेक्शन लगवाए, इसलिए मैं पूछता हूँ कि अगर कोई हो सके तो देसी इलाज। दूसरी एक बात ये है कि ये गाय मेरी पहले पहले सुबह बच्चा दे रही है, पहली बार है, पहली बार उसने बच्चा दिया है, बच्चा माशाल्लाह ठीक है, बच्चे को वो दूध नहीं पिलाते हम लोग, वो थोड़ा दूध निकाल के फिर फेंक देते हैं, क्या ख्याल है वो दूध बच्चे को पिलाना चाहिए या ठीक कि नहीं पिलाना चाहिए? मेरी जान, बहुत अफसोस हुआ है मुझे कि जो सुन के ये कि इस तरह उसको मैस्टाइटिस है और 8 9 दिन आप इन टीके लगाते रहे। मेरा तो कोई प्रोग्राम ऐसा, मेरा तो कोई नुस्खा ही ऐसा नहीं है जिसमें 8 9 दिन मैंने टीके लगवाए हों। ये पता नहीं कहाँ किस चीज़ के टीके लगते रहे हैं, क्या है। प्लीज़ 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 इसको सही करें, तसही करें। अगर सही अगर लगे होते तो 3 दिन में उसने बिल्कुल ठीक, या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, 4 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाना था। ये अपनी तरफ से वो लगाते रहे हैं टीके या आपने उनको बताए हैं, तो ये तो फिर 9 दिन चले गए और अभी भी खून है। बहुत दुख हुआ है मुझे, अफसोस हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा, दुआ करूँगा अल्लाह ताला ठीक करे। और मेरे प्रोग्राम देखें, उसमें देसी नुस्खे वो ठीकरी निशादर वाला वो देख लें, वो कर लें, शीशा नमक ठीकरी निशादर वो 7 लीमू वो देखें प्रोग्राम और वो कर लें। हो सकता है अल्लाह ताला उसी से शफा दे दे। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फी मान ला।